अभी जैसे कि नदीम पाशा का जो स्टेटमेंट आया था जी, वो एक तो एक कड़ी वापस खुल गई है जी, देश के तहत जी, तो ऐसे कड़ियाँ और क्या खुलना बाकी है? देखिए कोई कड़े वड़े खुलने वाली नहीं है, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी है। हिज हाइनेस नदीम पाशा का जो है डिपार्टमेंट वगैरह में किधर भी नाम नहीं है, तो अचानक नदीम पाशा क्यों सामने आए? नदीम पाशा अचानक इसलिए सामने आए कि FIR में जो 10 नाम है वो 10 नाम है, लेकिन इतर 20 में वो नदीम पाशा है जिनका नाम वो लोगों को पता नहीं था। और शायद वो परसों के दिन नदीम पाशा और एक नाम वहाँ पर कल FIR में गया है, जिसकी वजह से वो बोखलाहट में है। मैं रहीम खान हूँ, खिलाफत टाइम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। नौखंडा केस में अभी सामने आए थे नदीम पाशा, इन्होंने कई खुलासे किए, लेकिन ये कितने सही हैं और कितने गलत हैं इस पर ध्यान देते हुए हमने भी हमारी खोज को जारी रखा और नवाब साहब के पास चले गए इन सवालों के जवाब पूछने के लिए, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम चालू किया है 10 तक। हमने कहा था कि हर खबर के तय तक जाके हम देंगे आपको 10 तक, तो हम वही 10 तक के तहत सच्चाई हम आपके सामने लाना चाहते हैं। हम जब नवाब साहब के पास गए तो उन्होंने भी कई खुलासे किए और ऐसी कड़ियाँ हमें वहाँ से भी मिली। क्या कड़ियाँ हमें मिली हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देखा है मैंने, जो निज़ाम सरकार की जो यहाँ पर जायदाद है, जो ज़मीनें हैं, इसको लेकर तो हमारे एक दोस्त ने उसमें खुलासा किया है और उसके अंदर उन्होंने कुछ दो दोस्तों का जिक्र किया है जिनसे नदीम पाशा ने पैसा लिया है। तो उसमें से जो दूसरा दोस्त है जिनका नाम नहीं लिया है वो मैं हूँ, मोहम्मद फैयाज अहमद। तो ये कहानी जो शुरू होती है वो 25 सितंबर 2019 से शुरू होती है, जो दिलशाद नवाब को जब से जिस दिन से मैं जानता हूँ, और ये इंट्रोडक्शन दिलशाद नवाब साहब का ये नदीम पाशा ने ही मुझे दिया है। ये 25 सितंबर 2019 का पहला मैसेज जब मैं इंदौर में एक कंपनी में था, तो वहाँ पर एक मैसेज उनका आता है कि अस्सलाम वालेकुम फैयाज भाई, 10 लाख की बहुत सख्त ज़रूरत है और हम एक ज़मीन खरीद रहे हैं निज़ाम सरकार के एक वारिस से, 25 लाख रुपए में हमको बहुत कम दाम में ये ज़मीन मिल रही है आरिफ कॉलोनी में, और ये ज़मीन खरीदने के लिए हमको पैसे लग रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे पास 10 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है और मेरे पास इतने नहीं है, लेकिन कहीं से मैं अरेंज करता हूँ, एक ज़मीन है वो मैं बेचकर आपको 7-1 लाख रुपए तक अरेंज करके देता हूँ अगर ये ज़मीन इतनी सस्ती मिल रही है। तो फिर उन्होंने मुझे इंदौर से औरंगाबाद बुलाया। उसके बाद मैंने नदीम पाशा को नांदेड़ का एक प्लॉट बेचकर, हमारे एक रिलेटिव का एक प्लॉट बेचकर 7 लाख रुपए मैंने नदीम पाशा को हैंड ओवर किए। उसके बाद नदीम पाशा को मैंने बार बार इकरार किया, काफ़ी टाइम हो गया कि पाशा वो ज़मीन के पेपर, जो ज़मीन लेनी थी अपने को खरीदनी थी, तो वो कहाँ पर है? तो नदीम पाशा ने मेरे को एक डॉक्यूमेंट बताया जो दो लोगों के नाम से बना था। उसमें एक नाम था नदीम पाशा का और दूसरा था मुबीन खान। तो वो एक एक कर ज़मीन इन्होंने अपने नाम करवाई थी दिलशाद नवाब साहब। तो मैंने कहा भाई आपने तो बोला था कि भैया 7 लाख रुपए आपसे ले रहे हैं तो 6000 स्क्वायर फुट इसमें आपका भी रहेगा, तो इसमें तो मेरा तो जिक्र ही नहीं है इस ज़मीन में, आपका और मुबीन के नाम पर ही ये ज़मीन है जिसमें 25 लाख का जिक्र किया गया है कि इसमें हमने खरीदी है। तो तब नदीम पाशा ने मुझे बोला कि फैयाज भाई ये ट्रस्ट का मामला है, आप मेरे दोस्त हैं, आप ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देता हूँ। उन्होंने मुझे ये डॉक्यूमेंट बना के दिया है।
ये डॉक्यूमेंट इन्होंने बना के दिया है मुझे 13 नवंबर 2019, और इस पे मुबीन और नदीम पाशा ये दोनों के साइन है। इन्होंने 6,000 स्क्वायर फुट उस जमीन में से जो नवाब साहब ने इनको दी थी, उस जमीन में से 6,000 स्क्वायर फुट जमीन, या वो जमीन बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा वो 7 लोगों में बराबर बराबर तकसीम होने का, ऐसा 7 लोगों का टीम था क्योंकि उसमें हिस्सेदार 7 लोग थे। तो ये 6 लोगों के साइन है इस बॉन्ड पर। ये हाईकोर्ट में बॉन्ड किया गया जिसपे अंगूठे भी है नदीम पाशा के, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई साइन तो आप बोलेंगे ये मेरी नहीं है, तो उनका अंगूठा भी है, ये वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला था कि भाई ये बहुत जल्दी पोजीशन हमको मिल जाएगा, फिर 2 महीने 3 महीने 6 महीने हो गए फिर भी पोजीशन नहीं मिला। उसके बाद फिर नदीम पाशा से मैंने इकरार किया कि भाई मेरे को मेरी 6,000 स्क्वायर फिट जो ज़मीन है वो मुझे दे दीजिए। तो तब उन्होंने कहा कि फैयाज भाई अभी इतने जल्दी नहीं मिल सकती, इतने करोड़ों की जमीन इतनी जल्दी थोड़ी मिलेगी। तो फिर ये मुझे नवाब साहब से भी नहीं मिलने देते थे, लेकिन एक बार डायरेक्ट नवाब साहब से मेरी मुलाकात हुई, तब मुझे पता चला कि जो 7 लाख रुपए नदीम पाशा ने मेरे से लिए थे नवाब साहब को देने के लिए और ज़मीन खरीदने के लिए, वो पैसे कभी नवाब साहब तक पहुँचे ही नहीं, उन्होंने दिए ही नहीं पैसे। अब वो नदीम पाशा ने पैसे क्या किए, कहाँ खर्च किए, वो अल्लाह ही जानता है, बेहतर जानता है। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जिस तरीके से उनका स्टाइल है कि माशाल्लाह जजाकल्ला अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलकर वो लोगों को फंसाते हैं, उन्होंने वीडियो में मुझे दोस्त बोला है, ज़रूर बहुत अच्छे दोस्त निकले वो, कि उन्होंने मेरे दोस्त बनकर मेरे पीठ में खंजर भोंपा है। जब मैंने उनसे 7 लाख की डिमांड की या ज़मीन देने की डिमांड की, तब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कुछ मैसेजेस मुझे किए कि भाई मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन, मुझे कब दिए 7 लाख रुपये, आप जाने नवाब साहब जाने, ऐसी लैंग्वेज में उन्होंने मेरे से बात की। और उन्होंने मुझे मिलना जुलना तक छोड़ दिया, मेरा फ़ोन उठाने छोड़ दिए। उसके बाद मैंने एक FIR दर्ज करवाने के लिए मैंने एक एप्लीकेशन दी कि जो 7 लाख रुपये का जिक्र है इसके अंदर इन्होंने मुझे धमकियाँ भी दी थी कि अगर आपने नवाब साहब का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके बाद फिर जब नवाब साहब से मिला, नवाब साहब ने जब मुझे बोला कि भाई ये 7 लाख रुपये मेरे पास नहीं पहुँचे हैं, तो जब नदीम पाशा की पोल खुल चुकी थी तब तक कि उन्होंने कितने लोगों से और नवाब साहब के नाम पे पैसे लिए हैं, उसके बाद नवाब साहब के पास पोल खुलने, नवाब साहब ने उनसे बोला कि भाई आप लोगों ने इनसे पैसे क्यों लिया, तो फिर वो नवाब साहब से के पास आना छोड़ दिया उन्होंने, नवाब साहब को पेशी करना छोड़ दिया। उसके बाद जमीर पटेल और गैंग जो के इनके ही एक भाई है मिलाद, जो ग्रैंडसन है मीर उस्मान अली साहब के, तो उनके नाम का GPA लेकर आलिफ कॉलोनी की जमीन पर ये बैठे थे। तो उन्होंने नदीम पाशा से ये कहा कि नदीम पाशा आप नवाब साहब को छोड़कर हमारे पास आ जाइए, आपको 6,000 स्क्वायर फुट जगह उन्होंने दी है, हम आपको 5 एकड़ जगह देते हैं। उन्होंने इस लालच में नदीम पाशा को बोला और नदीम पाशा की तरफ हालांकि पोल खोल चुकी थी, इसलिए वो जमीर पटेल उनसे जाकर उन्हों मिल गए। मिलने के बाद इन्होंने अपने जो 3 भाई थे, अपने फुफेरे मुमेरे कुछ भाई हैं उनके, उनको साथ लेकर वो अलग हो गए। लेकिन जब हमको नदीम पाशा की जो हरकत पता चली कि इन्होंने और कई लोगों से पैसे लिए हैं, मेरे से पैसे लिए हैं, उसके बाद दोस्त बनकर पीठ में खंजर भोंपा है, तो ये जानने के बाद हमको ये पता चला कि नवाब साहब ने ये जो ज़मीन है ये काम के मुबदले के लिए दी है, ना कि 1 रुपया भी इन्होंने नदीम पाशा से नहीं लिया, और ये हकीकत है। और नदीम पाशा के बहुत करीबी दोस्त जो आज नवाब साहब के साथ हैं, जो बचपन के दोस्त हैं, वो भी आज नवाब साहब के साथ हैं, वो भी आज तक नवाब साहब के साथ हैं। ये सिर्फ 3-4 लोग हैं जो नवाब साहब को छोड़ के गए हैं साथ में से, बाकी 3 लोग हम आज भी नवाब साहब के आज भी साथ हैं। तब हमको ये पता चला कि नदीम पाशा ये सब झोल कर रहे हैं। उसके बाद हम आज तक भी नवाब साहब के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जो वारिस है सही वारिस जमीर पटेल और जो गैंग है नदीम पाशा है, इनके पास आज कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हकीकी जो भी है ग्रांडसन है मीर उस्मान अली के, वो दिलशाद नवाब है। और जमीर पटेल खुद जिनका GPA लेके बैठे थे आज तक,
इस जमीन पर दिलशाद नवाब के खिलाफ उनके ही सगे भाई हैं मिलाद साहब, उनका जीपी लेके बैठे थे और उनके कुछ आपसी मतभेद थे जिनका फायदा जमीर पटेल ने उठाया था, लेकिन आज ये दोनों भाई मिल गए हैं, एक जगह आ गए हैं, इसलिए इनमें सब बौखलाहट हो गई है। इनके इन्होंने जाकर फिर नौखंडा जमीन का सौदा करने की कोशिश की, उस जमीन सुना है उस जमीन के बदले भी ये वहाँ साफ सफाई करके उस जमीन को पोजीशन में लेकर कुछ उसका सौदा करना चाह रहे थे। सुना है कि आरिफ कॉलोनी की जमीन का भी 1,20,00,000 रुपये इन्होंने उठाया है। ये सब पता चलने के बाद मिला साहब ने भी उनका जीपीए रद्द कर दिया है। वो अभी हमारे साथ बैठे हैं हैदराबाद से, आज कल सुबह आए हैं वो, तो आगे की कहानी मिला साहब आपको बताएंगे। नवाब इमदाजा बहादुर का फर्जन मीर उस्मान अली खान का पोत्र, और आज ही एक वीडियो देखा मैंने अभी, नदीम पाशा करके कोई एक शख्सियत जो अहल पहल बक रहा है मेरे भाई के खिलाफ। पहले तो ये शख्स है कौन मुझे पता नहीं, और ये आज मैं वीडियो देख के, मैं इसलिए आज एक कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि ये आदमी जो है सो एक पिंप है, ये आदमी एक ब्रोकर है, ये औरत को सप्लाई करता है, और ये जो सो गलत सलत बातें कर रहा है भाई के बारे में। इन्होंने मैंने एक जीपीए दिया था, मेरे जीपीए पे काम कर रहा है अपने शेख जमीरुद्दीन, ये मेरे पास आया था 2018 में आके, ये जो है सो बहुत परेशान था और रोने लगा, बोला मिनाद भाई मेरे को काम दो, मैं औरंगाबाद का काम करता हूँ। तो मैं बोला ठीक है भाई, बीता आके 2 बजे रात को आया वो मेरे घर को, तो मैंने ठीक है चलो भाई हमदर्दी करा इसके साथ, तो लेके जाके मैं खैरुद्दीन अली खां से मिलाया इसको, और वो करा चलो इन्हें काम करेगा कि इसको मेरा जीपीए लेके इन्हें काम शुरू करा, और इन्हें मंत्रालय से ऑर्डर ला के मेरे नाम से जो आरिफ कॉलोनी में कब्जा लिया, इसकी पूरी रिपोर्ट बेगमपुरा पीएस पे है। सिद्दीक साहब ने मेरे को कॉल किया था कि इन लोगों को, इन लोग कब्जा लेते वक्त मैं नहीं था बोल के पूछे, तो बोला मेरे साहब मैं था कब्जा लेते वक्त, मेरा पूरा स्टेटमेंट है बेगमपुरा पीएस पे, और जो सो ये आदमी मेरे साले से मेरी गैर मौजूदगी में उसने 1,20,00,000 रुपये लिया है। मेरे को कोई इत्तला इलम नहीं है ये चीज़ की, मेरे को बाद में पता चला, तो पता चलने के बाद मैं एक आर्टिकल या पेपर में इसका जीपीए कैंसिल कराया, पब्लिकेशन करा मैं पेपर को, और जो सो अभी जो सो परसों 2-3 दिन 4 दिन पहले नौखंडा में भी एक हादसा करे ये लोग, इत्तेफाक से मेरे को, मैं ये लॉकडाउन की तरफ से आ नहीं सका था औरंगाबाद, अभी मैं औरंगाबाद आया हूँ, और जो सो हमने नौखंडा के ऊपर जाके पोजिशन ले लिए हैं, और मैं सानप साहब के पास बेगमपुरा पीएस जा रहा हूँ। आपको बीच में टोक रहा हूँ, लेकिन नदीम पाशा ने जो आपके ऊपर ब्लेम किए जी, नवाब नहीं है ये, फेक नवाब नहीं, वो तो खैर इनको बोलना क्या है, नदीम पाशा है कौन इसको मालूम होना चाहिए, हम कौन है क्या है सब मालूम है उनको, इसके बारे में सब मालूम है उनको। अगर फेक नवाब है तो आप लाओ मुकरम जा को बुलाओ, आप जैसा आप बोल रहे हैं असरा को मेरे भाई गालियां दिए क्यों देंगे, वो हमारी बड़े भाई की वाइफ है, हमारी भावज है, हम क्यों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ये सब झूठ बोल रहे लड़ा रहे फैमिली को। सुने अब इनका कुछ रहा नहीं, अब खत्म हो गए इन लोग, इनके नाम पे FIR हो गई, इसलिए इन लोग जो है सो लड़ाना शुरू कर दिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनका बोलने का मतलब ये है कि जब FIR होने के बाद में तिरमला गया और कुछ भी बोल रहे, कुछ भी बोल रहे, कुछ भी बोल रहे। सुने आप इन्वेस्टिगेशन करो, है ना, हम क्या है वो विकिपीडिया के ऊपर जाके आप मालूम कर लो कि जो है सो मेरे वालिद का नाम मारे, तो खुद ब खुद आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा, इंदाजा किसके बेटे है, क्या है, हम कौन है। सुने इन्हें बोलने से कचरे वाला है, ये एक ब्रोकर आदमी है, इसकी कोई औकात नहीं है। सुने इसके ये एक आखिरी वीडियो हम बना रहे हैं, सुबह में देखे हम, इसके बाद वीडियो बनाने हम बनाना भी नहीं चाह रहे वीडियो। सुने आप क्या करें अभी हम लोग, ये अपोजिशन मार दिया, जो अपोजिशन हम नौखंडा पे लिए, अभी हम ये ऊपर जो सो वहाँ पे भी हम पोजीशन अभी दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ जो सो कंप्लेंट करने के लिए जी। उसके बाद दोनों भाइयों में अभी दूरियां दिख रही है, नहीं नहीं, बीच में जो सो फूट डला दिया था जमीर पटेल ने, मेरे को और भाई से मिलने नहीं दे रहा था, मेरे खिलाफ उनको, उनके खिलाफ मेरे को बोल रहा था। अभी हम लोग का साथ है, हम भाई सुने आप मैं यहाँ पे औरंगाबाद पे हूँ, भाई के साथ काम करो, इंशाल्लाह हम हर चीज
निजाम के हमारे हमारे ग्रैंडफादर की जो भी चीजें हम उसकी कस्टडी करेंगे। अभी आवाम को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आवाम तक वो मैसेज गया है कि भाई ये जो है अभी नदीम पाशा ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया जी, वो हिसाब से आवाम को आवाम को खुद समझना चाहिए कौन कौन असल है कोई नकल है। सबको मालूम है, आवाम को ऐसा नहीं है, सारे लोगों को मालूम है कि हम लोग कौन है वो क्या है। वो एक लैंड ग्रैबर्स है, हम मौका दिए, गलती तो हमारी हो गई जो ऐसा चोरों को हम लेके आए। हमको नहीं मालूम ये भाई के पास नौकर था ही नहीं, नदीम पाशा सुने भाई के पास नौकर था, और होटल पे आना लड़कियां सप्लाई करना, इसका धंधा लड़कियां सप्लाई करने का है। सुने इन्हें बहुत बड़ा फ्रॉड है, फ्रॉडस्टर है, इन्हें खाली बातों का है बस, और कुछ करने वाला है नहीं है। वो जमीर पटेल इसको भटकाया, उन्हें वो गैंग में शरीक हो गया, पूरे एक माफिया के ऐसा बना दिए गैंग को, और इनके ऊपर कंप्लेंट हो रहे। हमने कमिश्नर से भी मिला है, दो दिन पहले कंप्लेंट हो गई इनके बारे में। देखिए अब आगे आगे इसका क्या होगा, हमको ये पूरा क्लियर करना है, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। हम लोग पूरी फैमिली एक है, मुकरमजाबाद मेरे भाई है, सुने आप मेरे मुकरमजाबाद मेरे कजन ब्रदर है, हम एक फैमिली है पूरी। औरंगाबाद में सर कई एकड़ जमीन है, काफी जमीन है, इसके लिए आप क्या करेंगे सर आज? इसके लिए हमको अब अच्छे कोई किसी अच्छे आदमी को देख के अपॉइंट करना पड़ेगा हमको। हम तो आ नहीं सकते, बार बार आके हम इतना टाइम हमारा खराब नहीं कर सकते। हम अच्छे कोई आदमी को अपॉइंट करेंगे, उन्हें देख रेख करेंगे, ऐसे चोरों को तो अब आने नहीं देंगे हम। ये पूरा सफाई करने के लिए ये आखिरी है हमारा, हम ये पूरा सफाई करेंगे, बस ये बोलूंगा। सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन।